हेलो एवरीवन, हम लोगों ने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 to 14 कर लिया है एक्सरसाइज 2.2 का, और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2, ₹5। द नंबर ऑफ 2 rupee coin is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coin is 160. How many coin of each denomination are with me? ये कह रहे हैं कि मेरे पास 300 रुपए हैं, और जिसमें से किसके denomination के हैं, 1 rupee, 2 rupee और 5 rupee की denomination में हैं, यानी इतने के सिक्के हैं हमारे पास। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 गुना हैं 5 रुपए सिक्के के, और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 160 हैं। अब हम लोग को ये बताना है कि हमारे पास 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 बी एक्स। तो हमने क्या मान लिया कि जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हैं, एक्स हैं। अगर ये एक्स हैं तो हमें हम और क्या लिख सकते हैं, देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 बी 3x। मैंने 3x क्यों लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है, क्या कहा है, कि जो 2 रुपए के सिक्के हैं वो 3 times हैं 5 रुपए सिक्के के, यानी अगर हम मान लेते हैं 5 रुपए का एक सिक्का है तो 2 रुपए के 3 सिक्के हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या माना कि जो 5 रुपए के सिक्के अगर एक्स हैं तो 2 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। अगर हम इसकी टोटल की बात करें, टोटल कॉइन्स ऑफ ₹5 एंड ₹2 बी, यानी हम क्या बात कर लें कि 5 रुपए के और 2 रुपए के जो टोटल सिक्के हैं वो कितने हो जाएंगे, यानी एक्स प्लस 3x, यानी 4x। कितने हो गए, 4x हो गए। कौन 4x हो गए, 2 रुपए के और 5 रुपए के सिक्के का संख्या। अब उसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं कि 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, तो हमें क्या लिखना होगा, देन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 बी, ये कितना होना चाहिए, थोड़ा मुझे सोच के बताइए क्या कितना होना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 4x हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 160 हैं। तो इसे हम लोग फाइंड क्या कर सकते हैं कि 160 माइनस 4x, अगर हम 160 माइनस 4x कर देंगे तो हमें 1 रुपए का सिक्का कितना है वो मिल जाएगा। बताइए, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। और ये कह रहे हैं कि अगर सभी सिक्कों को जोड़ दिया जाए तो वो कितना है, 160 कॉइन। बोलिए, अब देखिए, इसमें हम लोगों ने 1 रुपए के सिक्के को लिखा है 160 माइनस 4x। हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 1 रुपए के सिक्के का कोई कंडीशन नहीं दिया गया, अगर दिया गया होता
तो हम लोग कुछ और करते हैं। और इसीलिए हमने क्या किया, 2 रुपए एक सिक्का और 5 रुपए का जो सिक्का है उसको 160 यानी टोटल सिक्कों में से माइनस कर दिया, तो हमें क्या पता चल गया, कॉस्ट ऑफ नहीं नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, यानी 1 रुपए कितने सिक्के हैं वो हम लोग को वैल्यू पता चल गई। अब ये कह रहे हैं कि अगर तीनों को मिला दिया जाए तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 300 बन जाएगा। तो देखिए इससे पहले हम लोगों को अमाउंट पता करना पड़ेगा, यहाँ हम लोग को क्या मिल गया है, नंबर ऑफ कॉइन्स, देखिए क्या है नंबर ऑफ कॉइन, ये भी क्या है नंबर ऑफ कॉइन, ये भी क्या है नंबर ऑफ कॉइन। अब नंबर ऑफ कॉइन से रुपये को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। तो अब हम लोग को वही करना है, अमाउंट ऑफ रुपी 5, यानी 5 रुपए का कितना अमाउंट है वो पता करने के क्या करना पड़ेगा, एक्स इंटू 5। क्यों, क्योंकि भाई जब हमें नंबर ऑफ कॉइन्स पता है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ रुपी 2, तो 2 रुपये का कितना अमाउंट है वो पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉइन जो 2 रुपए के हैं कितने हैं, 3x हैं, 3x मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 का अमाउंट पता करना है। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ रुपी 1, इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4x इंटू 1। अगर ये कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 रुपी का अमाउंट। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि देखिए, और टोटल अमाउंट अपने पास कितना दिया है, वो 300 दिया है, यानी अब हम लोगों को दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, यानी अब हम लोग को एडिशन करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी अमाउंट को जोड़ लेंगे, तो देखिए क्या बनता है, फाइव एक्स देखिए प्लस 3 2 6 6x प्लस 160 माइनस 4x, और देखिए किसके बराबर है, ये 300 बराबर है। क्यों 300 बराबर है, क्योंकि अमाउंट बराबर अमाउंट होता है, ये भी अमाउंट, ये भी अमाउंट और ये भी अमाउंट, यानी तीनों अमाउंट किस बराबर हो गया अमाउंट के। अब देखिए माइनस 4 प्लस 6 तो 1 हो गया, 1 प्लस 6 7 हो गया, यानी 7x इज इक्वल टू, अब देखिए 300 है, 300 माइनस 160, 300 माइनस 160, और 300 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो देखिए हमें हमें क्या मिल गया, 7x इज इक्वल टू 140, 7 1 7 7 2 14, ये 0 बचा है 0 लिख दीजिए, तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 20। और हमने x क्या माना था देखिए, यानी नंबर ऑफ कॉइन ऑफ रुपी 5, यानी 5 रुपए के कितने सिक्के हैं वो हमने x माना था, तो हमें क्या मिल गया, 5 रुपए कितने सिक्के हो गए, 20। अब इसी तरीके से ये क्या है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू
आई टू सिक्स वाई इज इक्वल टू 20। अब उसी तरीके से 3x क्या था, देखिए 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन। अब उसी तरीके से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन को फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे आप हमें बताएं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सिंपली कुछ नहीं करना है, 160 माइनस 4x यानी 160 माइनस 4 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 है। चलिए इसको भी कर देते हैं, यहाँ पर फाइंड कर देते हैं नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 160 माइनस 4x। तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स वैल्यू कितनी मेरे पास है 20 है, 160 माइनस 80 तो कितना हो गया 80, यानी नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन इज इक्वल टू 80। इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में पहले हम लोग क्या फाइंड करना होता है, नंबर ऑफ कॉइन, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया क्या कि 5 रुपी नंबर ऑफ कॉइन ऑफ रुपी 5 यानी 5 रुपये सिक्के कितने हैं एक्स हैं। उसी तरीके से 2 रुपये कितने सिक्के हैं 3x हैं, और 1 रुपये कितने सिक्के हैं 160 माइनस 4x हैं। ये मिल गया हमारे हमें। अब जब ये मिल गया तो हमें अमाउंट भी पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि टोटल अमाउंट हमें पता है यहाँ पर। तो उसके लिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ कॉइन इंटू अमाउंट इंटू 5 किया, तो 5 रुपये का अमाउंट मिल गया। उसी तरीके से 3x जो नंबर ऑफ कॉइन है उसमें से 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो एक अमाउंट पता चल गया। उसी तरीके से 1 का भी अमाउंट हमें पता चल गया। अब तीनों अमाउंट को हम लोगों ने जोड़ लिया, जोड़ के क्या किया 300 के इक्वल कर दिया, और जब 300 को इक्वल कर दिया तो इससे हमें x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई यानी हमें 5 रुपये कितने सिक्के हैं वो पता चल गया, कितना है x इज इक्वल टू 20 यानी 5 रुपये के 20 सिक्के हैं। इसी तरीके से हमें क्या पता चल गया, 2 रुपीज़ के कितने सिक्के हैं 3x हैं, तो हमें 60 मिल गया, और 1 रुपी के कितने सिक्के हैं वो 80 हैं। इस तरीके से हमें पता चल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ रुपी 100 एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ रुपी 25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपी 3000। फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजर है जिन्होंने एक ऐसे कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज कराया। जब ऑर्गेनाइज कराया तो डिसाइड किया कि भाई जो कॉम्पिटिशन जीतेगा उसे 100 रुपये मिलेगा, और जो हारेगा उसे भी कुछ मनी मिलेगा, और वो मनी कितना होगा 25 रुपी। और ये बता रहे हैं कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट हैं यानी जो पार्टिसिपेट किए हैं कंपटीशन में उनकी संख्या 63 है। तो हम लोगों को क्या बताना है कि टोटल नंबर ऑफ विनर यानी विनर कितने हैं उनकी क्या संख्या होगी। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा कि लेट द नंबर ऑफ विनर बी एक्स, यानी हम मान लेते हैं कि जो विनरों की संख्या है वो कितनी है एक्स है, एंड हु डिडंट
did not. Who did not win? B 63 minus x. तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि जो लोग जीत गए हैं कंपटीशन, उनकी संख्या क्या है, x है, और ये टोटल जो पार्टिसिपेंट है 63 है, कितने हैं 63, तो जो नहीं जीते हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनके नंबर कितने हो जाएंगे, 63 माइनस एक्स, ठीक है, और जो जीतेंगे उनको अमाउंट कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय विनर 100 इंटू एक्स, यानी एक्स विनर है और 100 मिलेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स। अब उसी तरीके से अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉन विनर इज इक्वल टू 25 इंटू 63 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि टोटल मनी, तो देखिए टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो कितना है 3000, तो बस हम लोग को क्या कर देना है, सम कर देना है, दिस प्लस दिस, यानी फर्स्ट और सेकंड को एक प्लस करके इसके बराबर कर देना है, 100 एक्स प्लस 25 इंटू 63 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3000, ये हो गया। अब देखिए यहां से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 25 से एक्स को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इससे हम लोग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो देखिए क्या हो गया, 100 इंटू एक्स प्लस 25 इंटू 63 माइनस 25x इज इक्वल टू 3000। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 100x है, यहाँ 25x है, ये माइनस है, तो 100 माइनस 25x कितना आ जाएगा, 75x। अब देखिए 25 इंटू 63, अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए, 1575, ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा और हमारे ख्याल से इतने आने चाहिए, 1575 इज इक्वल टू 3000। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि 75x इज इक्वल टू 3000 माइनस 1575, तो 75x की वैल्यू कितनी हो गई, अब इसको हम लोग माइनस करते हैं, जब इसको लोग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1425। अब यहां से एक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 1425 अपॉन 75, और जब हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितनी टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 19 टाइम्स, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। और देखिए हम लोगों ने x क्या माना हुआ था कि नंबर ऑफ विनर, यानी कितने लोगों ने जीता है ये कंपटीशन को, ऐसे कंपटीशन को, तो वो नंबर हो गया 19, यानी 19 लोगों ने इस कंपटीशन को जीता है।
अब चाहे इस क्वेश्चन को एक बार और देख सकते हैं कि हमने क्या किया है। तो इसमें हमने क्या किया है कि नंबर ऑफ विनर हमने x मान लिया है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 दिया हुआ है। तो जिसने कंपटीशन नहीं जीता उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 63 माइनस एक्स, वो हमने कर दिया। और देखिए उसके बाद अमाउंट हमने निकाल लिया, कैसे निकाल लिया, जब हमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पता है और एक कितना जीतेगा वो पता है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 100 से एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने कॉम्पिटिटर ने जीता है उसकी अमाउंट हमें पता चल गया। उसी तरीके से कितने लोगों ने नहीं जीता उसकी भी अमाउंट हम लोग को पता चल गया। अब जब हम लोगों को दोनों अमाउंट पता चल गया तो दोनों का एडिशन कर दिया। क्यों एडिशन किया, क्योंकि टोटल मनी प्राइस कितना दिया हुआ है 3000, तो उसको हम लोगों ने देखिए यहाँ पर 3000 के बराबर कर दिया है। कहाँ पर किया है, यहाँ पर किया है, ये देखिए। और इसकी हेल्प से हम लोगों ने एक्स वैल्यू निकाल ली और एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। तो हम लोगों ने क्या माना था कि नंबर ऑफ विनर एक्स माना था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि विनर की संख्या कितनी हो गई, 19 हो गई। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।